हम चैन से सो पाए इसीलिए बस सो गया कि हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। जय हिंद दोस्तों। लेह लद्दाख में तैनात उत्तर प्रदेश के आगरा का आर्मी जवान अनिल कुमार चाहर ड्यूटी के दौरान बर्फ में शहीद हो गए हैं। शहीद होने से पहले अपने परिवार परिजनों से फोन करके वादा किया था, बहुत जल्द छुट्टी लेकर घर लौटूंगा, लेकिन जवान रक्षाबंधन से पहले ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। शहादत से परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुका था। आज शहीद जवान के तिरंगे में लिपटकर सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर के पैतृक निवास स्थान पर लाया गया, जहां पर पार्थिव शव को देखते ही परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुका था। शहीद जवान का पिता बार बार फभक फभक कर रो रहे थे। शहीद जवान का पिता भी बेहोश हो जा रहे थे। बताया जाता है कि यह जवान लेह लद्दाख में कार्यरत था। यह जवान लेह लद्दाख में 6000 रेजिमेंट में तैनात था, लेकिन जवान ड्यूटी के दौरान बर्फ में शहीद हो गए हैं। शहादत से परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुका था। आज शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों का जनसैलाब उमड़े थे। सभी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद अनिल कुमार चाहर तेरा नाम रहेगा नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक इलाका। यह जवान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक छोटा सा गांव के रहने वाले थे। यह जवान छोटा सा गांव में पैदा होकर देश की रक्षा करते हुए भारतीय सेना में शामिल हुए थे और लगातार देश के लिए सेवा देते आ रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। शहादत से पूरे घर पर मातम पसरा हुआ था। जवान रक्षाबंधन से पहले शहीद हो गए थे। शहीद जवान बीते कई वर्षों से लगातार भारतीय सेना में शामिल होकर देश के अनेकों जगह सेवा देते आ रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जवान लेह लद्दाख में अपने प्राण को नौछावर कर दिए हैं। शहीद जवान का आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनके पैतृक गांव में पैतृक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। सेना के टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दृश्य का देखकर सभी का आंख नम हो गया था। शहीद जवान के अंतिम यात्रा में आज लोगों पुष्पमाला बरसा रहे थे और सभी नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे थे। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का साहसी आर्मी जवान अनिल कुमार चाहर जी लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। शहादत किस प्रकार से हुई है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं आया है। सच में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होती है। अगर शहीद जवान अनिल कुमार चाहर के लिए आप लोग को जरा सा भी रिस्पेक्ट हुआ, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से सादर विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान अनिल कुमार चाहर का आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी उनके परिजनों को दुख सहने की सहनशक्ति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।